करूंगा। आज पांचवा दिन है और हम 1.5 लाख से ज्यादा पार कर चुके हैं। अगर मीडिया खड़ी खड़ी का शुक्रिया ना करो तो जाती होगी। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन हाल है चाहूंगा कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं। भदरवाह डोडा इतना नेचुरली बिस्टोर्ड है, कल्चरली, आर्किटेक्चरली, नेचुरली, वो सारी चीजों को हमने सिर्फ जनता के सामने रखने की कोशिश की है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसमें एक अहम रोल प्ले किया है। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। और ये जो हमारा फंक्शन हो रहा है, जनता को देख रहे हैं, इट्स अ मार्वेलस सक्सेस। हम सब दुआ करते हैं कि जो नया साल आए हमारी जनता के लिए बेहद ही खुशहाल आए, सेफ आए और प्रोग्रेसिव आए। भदरवाह की हिस्ट्री क्रिएट हो गई, एक नई हिस्ट्री का आगाज हो गया है। आज का जो प्रोग्राम रहा, 5 रोज़ा फेस्टिवल का जो आज कलेमिनेशन हुआ, इट वॉज रियली रियली रिकॉर्ड बीट। आज हमारे प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता कि 20-25 हज़ार से कम लोग हुए होंगे। आपने देखा, मतलब इट वॉज रियली फ्लड, एक फ्लड ऑडियंस का था जो आज आपने देखा। और पांचवा रोज आज नए साल के मौके पर भदरवाह टूरिज्म के लिए एक नए आयाम का आगाज हो गया। मैं ये इतना कहूँगा, इसके लिए हमारी एलजी सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके द्वारा ये जो तोहफा दिया गया, पहली बार भदरवाह में इतना मेगा इवेंट हुआ। हम जब से हमने ये सुना है, हम तब से बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब टूरिस्ट बढ़ेंगे, लोग बाहर से और यहाँ आएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इतने लोग हैं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतने लोग होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
कि इतना ह्यूज राष्ट्र जो है भद्रोह में, जो इतना टूरिज्म के डिपार्टमेंट्स, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी मोदी सरकार का एक विजन है कि हर एरिया को हमने प्रमोट करना है, हर जगह को प्रमोट करना, उसके हिसाब से इस जम्मू कश्मीर के, इस भद्रवाह के छोटे कस्बे को इतने एग्रेसिवली प्रमोट हुआ इस दफ़ा, मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी फेस्टिवल हुए लेकिन उन फेस्टिवल्स में इतना टूरिस्ट रश नहीं आ पाया। और गुल्ली डंडा जो है, मैं बोलता हूँ ये नेशन का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी तरीके से ये फेस्टिवल जो है चल रहा है। और अभी आप देख रहे हो इस वक्त हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है इस वक्त जो है कंसर्ट चल रहा है उसको देख रहे हैं। तो ये सारा जो है विजन जो है, मैं कहूँगा कि मोदी सरकार की वजह से जो इस जम्मू कश्मीर को जो है लोगों को टेररिज्म से हटा के टूरिज्म में लाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना बड़ा फेस्टिवल गए हुए तो अच्छा लग रहा है, तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे लोगों में कितने चाहे वो वुमेन्स हो या जो भी एज लोग हैं, सब लोग यहाँ पे पूरे एक्साइटमेंट से आए हुए हैं। और ऐसा पहली बार भद्रवाह में हो रहा है ऐसा फंक्शन, तो सब लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और ये भद्रवाह के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे जाके कुछ मेहनत होगा, तो न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशन है कि जो भी मैं आगे पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली का नाम रोशन करूँ एज वेल एज भद्रवाह का भी। और कुछ और भी युवा हमारे साथ पूछने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आप और आपको कैसा लग रहा है यहाँ? भद्रवाह से हूँ, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहली बार यहाँ पे इवेंट हो रहा है भद्रवाह में और बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं सर हम ये यहाँ पे, एक्साइटमेंट है, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सर मैं कहना चाहूंगा इवेंट और भी हो यहाँ पे, और बस थैंक यू। आपने कितना जोश जो है यहाँ पे हुआ में है, यहाँ इस वक्त आए हुए हैं, कितने खुश हैं, दर्शकों ने तीसरा